जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ न्याय हो और आर्मी एग्जाम हो जाए, एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो, उम्र सीमा में छूट मिले, तो उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जीत उनकी होती है जो जीत के लिए मेहनत करते हैं, जो घर बैठे बकर बकर कर रहे हैं और जो कर रहा है उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो लोग खुद तो डूबेंगे ही, इन मेहनत करने वाले लोगों को भी डुबो देंगे। आपकी केस की ये अंतिम लड़ाई है और 100% कन्फर्म है, और ये मैंने बहुत सारे वकीलों से बात की है, सब कह रहे हैं कि आपका जो सुनवाई है चंद्रचूड़ सिंह जी ही करेंगे, वही बैच ऐसे कैसे रहेगी जो आपकी फर्स्ट आरिंग में दे दी गई है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी समय के कारण, 10 अप्रैल का जो समय दिया गया है, 10 अप्रैल तय करेगी कि आपका केस आगे चलेगा कि वहां से उठाकर हाई कोर्ट में फेंक दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों का इस समय एक ही काम है कि अपनी ताकत को झोंक दो। बोलते हैं अंतिम लड़ाई में जो भी अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र हैं लगा दो पूरी ताकत, अगर जीतना है तो। हालांकि मेरी भी, मैंने उस दिन कहा था कि न्याय की उम्मीद टूटी है, लेकिन बहुत से लोगों से, बहुत से साथियों से बातें की, चर्चा की, तो एक चीज निकल कर सामने आया कि जिस तरह अगर मरीज के 1% जीने की उम्मीद भी होती है, तब भी हम उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि नहीं इसका इलाज करो, तो उसी तरह हमारी ये बीमारी भी अंतिम चीजों में है। चाहे जीत के आंस कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, और कुछ बच्चे इस तरह इसकी पहल कर रहे हैं क्योंकि इस लड़ाई में सीनियर वकीलों की बहुत जरूरी है। अगर आप जीतना चाहते हो तो भैया सहयोग करो और सीनियर वकील को खड़ा करो। अगर आप सोचते हो कि कम अनुभव वाले या 4 दिन कोई बाहर जाके आ गया और वो बहुत अच्छा बहस कर लेगा या अकेला कुछ कर लेगा, अकेला बहुत बड़ा फन्नेखा होगा ना, वो भी नहीं बोल पाएगा। या तो अकेला हो जिसको बहुत ज्यादा अनुभव हो, जो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम हजारों केस लड़ चुका हो, ऐसा भी आपके पास नहीं है, तो सब मिलकर एक अच्छा सा वकील करो। बोलते ना कि जब लड़ाई अंतिम क्षणों में है, जैसे राम रावण युद्ध था ना, जिसमें एक से एक बड़े बड़े योद्धा आए थे, एक से एक हथियार चले थे, उसमें अगर आप अपने तर्कस के तीर बचा कर रख लोगे और ये कहते रहोगे कि हम तो इसी से लड़ाई लड़ लेंगे, तो मुश्किल है भैया। फिर कह रहा हूँ, सीनियर वकील खड़ा करना बहुत जरूरी है आपको। मैं तो पहले से समझा समझा कर थक चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूं कि एकजुट रहो और एक अच्छा वकील अनुभव वाला होना चाहिए। 10 तारीख को जो सुनवाई है उसमें अगर अच्छा वकील होगा तो ये केस आपका आगे चलेगा, और अगर अच्छा वकील नहीं होगा तो भैया उठा के या तो हाई कोर्ट में फेंक दिए जाओगे और या ठंडे बस्ते में डाल दिए जाओगे। ये आज रविंद्र फौजी कह रहा है, इसको ध्यान रख लेना। मेरा काम है आपको जागरूक करना, जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट हमारे पास आ रहे हैं वकीलों के माध्यम से या और जो इनपुट हैं उनको, उससे मैंने आपको बता दिया है। एक तो बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको भी बता दिया है, कुछ बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अच्छा वकील चाहिए, सीनियर वकील, तो भैया सहयोग करो और एक टॉप वकील के साथ वहाँ खड़े हो, ताकि आपके जो परसेंटेज जीतने की रेशो बढ़ जाए। मेरा बस इतना ही कहना था। फिर कह रहा हूं कि ये अंतिम लड़ाई है, इसमें जो आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, या सिर्फ मैं ही ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगा, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये मैं ना बड़े बड़ों को लेकर बैठ चुकी है। मैं से लड़ाई नहीं, हम मिलकर लड़ाई जीत सकते हैं। और भैया अंतिम लड़ाई में आप कहो कि भाई जैसे लक्ष्मण जी को भगवान राम ने कह दिया था कि भैया हनुमान जी को और बड़े बड़े योद्धाओं को ले जाओ, इंद्रजीत बहुत तगड़ा योद्धा है, नहीं माने क्योंकि थोड़ी सी घमंड थी उस समय कि मैं तो अकेला ही वो कर दूंगा, और उनको मूर्छित कर दिया था।
तो ये मैं हर समय जब जिसमें मैं आ जाता है तो भगवान उसका मैं तोड़ देता है, और नहीं तो समय तोड़वा देता है। तो इसको मैं को छोड़ दो और जो प्रयास कर रहे हैं उनका साथ दो, अच्छा सीनियर वकील लेकर लड़ो ताकि 10 तारीख को एक गुड न्यूज हमें मिले। अगर ये केस वहां से थोड़ा सा बढ़ता है तो हमारी उम्मीदें जगेंगी और चांस होंगे कि आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो। कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ जो आपस में अभी भी कंट्रोवर्सी में, ये कुछ लोग तो कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं। हालांकि मैं कह नहीं सकता कि वो बच्चों का वास्तव में किसी का आर्मी एग्जाम या एयरफोर्स ज्वाइनिंग है या नहीं है, या वो सरकार के एजेंट हैं। हो सकता है सरकारी एजेंट हमारे बीच में फूट डालो, राज करो की नीति अपना रहे हो, हमें कमजोर कर रहे हो। मैंने तो बहुत कोशिश की, अभी भी कर रहा हूँ और मैं सदैव आपके साथ हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं उनका सहयोग करो भाई। बिना पैसे सरकारी, बिना बोलते हैं ना कि इतना किसी के पास नहीं है कि अकेला कोई दे। हाँ वैसे एक नाटक करके छोटा सा वकील लिए घूमूं कि मैं तो पैसे भी नहीं लूंगा और ये जिता दूंगा, तो बात अलग है। मजबूती से जाना चाहते हैं, और कुछ बच्चे कर रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा वकील हो तो भैया उनका आर्थिक सहयोग करो। ये बकचोदी रिजल्ट आने के बाद में कर लेना, जीत जाएंगे तो मैं फिर कहता हूँ एक साथ जश्न मनाएंगे, और नहीं तो इस आपसी फूट का फायदा दिल्ली हाईकोर्ट वाला हारना हो। बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।